दिल्ली में से पॉल्यूशन खत्म होना हो, लेकिन इंटरनेट की इस मॉडर्न दुनिया में से धीरे धीरे लैंड मल्टीप्लेयर गेम्स खत्म हो रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पर भी मेरी और आपकी तरह काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें की लैंड मल्टीप्लेयर गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद है। बट तुम्हें इन गेम्स के बारे में बताएगा कौन? भूल तो नहीं गए हमें? तो हेलो एवरीवन, इट्स मी मनीष, आपका दोस्त, आपका होस्ट। वीडियो के अंदर बात करेंगे पांच ऐसे जबरदस्त वाले गेम्स की जो कि ऑफलाइन होंगे, मल्टीप्लेयर होंगे एंड उन सभी गेम्स के अंदर तुम्हें कोऑपरेटिव का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। सो गाइस, अगर तुम्हारा कोई पर्सनल क्वेश्चन है या फिर किसी गेम के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग टेलीग्राम के ऊपर जाकर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर से हम लोग अपनी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं नंबर वन लैंड मल्टीप्लेयर गेम की। सो गाइज, हमारी वीडियो में आने वाला नंबर वन गेम है हीरोज ऑफ साइबर स्पेयर। ये वाला गेम 2017 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक साइंस फिक्शन शूटिंग गेम है जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। इस गेम के अंदर आपको जॉम्बी नहीं, एआई रोबोट्स नहीं, बल्कि एलियंस के साथ में बैटल करनी होगी जो कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर हमला कर चुके हैं। सो उन्हें आप लोगों को रोकना होगा, उनसे लड़ाई करनी होगी। यहाँ पर तुम्हारे पास में डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, आर्मर्स होंगे और काफी सारे खतरनाक वेपन्स होंगे जिनका इस्तेमाल करके आप लोग दुश्मनों की छुट्टी कर सकते हो। मजा आया। इसके अलावा सर्वाइव, डिफेंस, असॉल्ट, टीम डेथ मैच के जैसे डिफरेंट गेम प्ले मोड होंगे। आप लोग इस गेम को अपने 6 दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो लैन वाईफाई के थ्रू। ओनली 54 MB वाले गेम का साइज होगा एंड ये एक ऑफलाइन गेम है। बाकी यहाँ पे तुम्हें बॉस बैटल्स भी करने को मिल जाएगा, सो आप लोग इस वाले गेम को ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, हमारी वीडियो में आने वाला नंबर टू गेम है नोवा 3 फ्रीडम एडिशन। सो गाइज, ये एक तगड़े लेवल का फास्ट पेस्ट शूटिंग गेम है। आप लोगों ने नोवा लेगेसी गेम डेफिनेटली खेला होगा बट इसका जो फ्रीडम एडिशन है वो काफी ज्यादा कमाल का है एंड हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जहां पर तुम्हें चैप्टर्स क्लियर करने होंगे। इस गेम के अंदर आपको अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर जाके वहां के एलियंस को डिस्ट्रॉय करना होगा, जस्ट लाइक हालो एंड क्राइसिस 3। वैसे तो ये एक मोबाइल गेम है बट जब तुम लोग इस वाले गेम को खेलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका गेम प्ले एक्सपीरियंस पीसी लेवल का है। क्या बात, ये बात है। एलियंस को मारने के लिए तुम्हारे पास में डिफरेंट एबिलिटीज होंगी और आप लोग इस वाले गेम को अप टू 12 प्लेयर्स के साथ में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरीके से। यहाँ पर साइंस फिक्शन एनवायरमेंट है, ब्यूटीफुल ग्राफिक्स क्वालिटी और कैंपेन मोड देखने को मिल जाएगा। 1.7 GB इस वाले गेम का साइज होगा एंड ये गेम तुम्हें थर्ड पार्टी साइट्स के ऊपर इजीली मिल जाएगा। सो गाइस, हमारी वीडियो में आने वाला नंबर थर्ड गेम है बीच बग्गी रेसिंग। ये वाला गेम 2014 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक बड़े ही कमाल का रेसिंग गेम है जो कि तुम्हारे स्मार्टफोन के साथ में पीसी एंड कंसोल्स और अगर तुम्हारे पास में स्मार्ट टीवी है तो आप लोग उसके ऊपर भी गेम को खेल सकते हो। ये ना एक फनी मल्टीप्लेयर गेम है जहां तुम्हें डिफरेंट लोकेशन पर रेसिंग करनी होगी, जैसे कि बीच पे, वॉल्केनो में और जंगल्स में। इस गेम में ना डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, काफी सारी कार्ट व्हीकल्स होंगी जिन्हें कि तुम लोग कस्टमाइज एंड अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा 25+ यूनिक पावर अप्स होंगे एंड तुम्हारे कैरेक्टर के पास में डिफरेंट एबिलिटीज होंगी। आप इस गेम को अपने 4 दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो एंड यहाँ पर ना तुम्हें स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 97 MB वाले गेम का साइज होगा एंड ये वाला गेम कम्प्लीटली ऑफलाइन है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया एंड आप लोगों को ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो आप लोग अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर से हम लोग अपनी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सीरीज में आने वाले नंबर 4 गेम की। सो गाइस, हमारी वीडियो में आने वाला नंबर 4 गेम है वॉचर क्रॉनिकल्स। ये वाला गेम 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो कि तुम्हें प्ले स्टोर के ऊपर इजीली मिल जाएगा। गेम के अंदर तुम्हें यूनिक स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी जो कि पूरी तरीके से डार्क फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड होगी। बेसिकली ये ना एक रोमांचक सफर है जहां पर तुम्हें डिफरेंट एबिलिटीज और पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना होगा और साथ ही में डिफरेंट बॉसेस के साथ में बैटल करनी होगी। यहां पर तुम्हें लोकल को ऊप मल्टीप्लेयर का सपोर्ट मिल जाएगा।
होगा। एंड अगर तुम्हारे पास में कंट्रोलर है ना तो फिर तुम्हारी मौज है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें गेमिंग कंट्रोलर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी तुम्हारे पास में 100 से भी ज्यादा अपग्रेडेबल आर्मर्स एंड वेपन्स होंगे। अगर तुमने 5 या फिर 10 लेवल को भी कंप्लीट कर लिया ना तो तुम लोग इस वाले गेम से अडिक्ट हो जाओगे, एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि तुम लोग इस वाले गेम को कंप्लीट करे बिना नहीं उठोगे। 200 MB के अराउंड इस वाले गेम का साइज होगा एंड ये भी एक ऑफलाइन गेम है। तो गाइस हमारे वीडियो में आने वाला नंबर 5 गेम है रैकफेस्ट। ये वाला गेम 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड इस गेम को स्पेशली डिजाइन किया गया है तगड़े लेवल के स्मार्टफोन्स के लिए। बेसिकली ये एक मल्टीप्लेयर रियलिस्टिक रेसिंग गेम है जो कि पीसी एंड कंसोल्स के ऊपर भी अवेलेबल है। यहाँ पर तुम्हें कैरियर मोड देखने को मिल जाएगा जहाँ तुम्हारा काम होगा डिफरेंट स्टेजेस एंड व्हीकल्स को अनलॉक करना। रैकफेस्ट तुम्हें एक यूनिक रेसिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा जो कि शायद कोई दूसरा गेम तुम्हें ना करवा पाए। बाकी तुम्हारे पास में काफी सारे चैलेंजिंग मिशन जिन्हें की तुम्हें कंप्लीट करना होगा। आप लोग अपने व्हीकल्स को कस्टमाइज कर सकते हो एंड उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हो। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होगी एंड ये गेम तुम्हारे अच्छे से अच्छे स्मार्टफोन की बैंड बजा सकता है। 4 GB के अराउंड इस वाले गेम का साइज होगा एंड ये वाला गेम भी कम्प्लीटली ऑफलाइन है एंड इस गेम के अंदर भी आप लोग को लैन मल्टीप्लेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोग को 5 के 5 बेस्ट वाले ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम के बारे में बता दिया है। टाइम आ चुका है अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करने का। तो अगर आप लोग को सीरीज के अंदर से एक भी गेम पसंद आया हो तो आप लोग अभी जाकर वीडियो को लाइक कर दो। फ्यूचर में ऐसे कमाल की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अगर तुम्हें 2024 के अंदर लॉन्च हुए बेस्ट वाले मल्टीप्लेयर गेम्स खेलने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, एंड अगर तुम्हें मल्टीप्लेयर पोकेमोन गेम की तलाश है तो फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। मैं आप लोगों से वहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।